हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर। आज फिर आप लोगों के लिए क्लास टेंथ एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का कर्णस्थ दानवीरता, जो कि संस्कृत बुक से है, इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार बुक को रीडिंग देख दीजिए, उसके बाद इसको देखिए बार बार, निश्चित रूप से एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। तो आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव है कर्णस्थ दानवीरता का, कर्णस्थ दानवीरता रचनाकार अस्ति, कर्ण की दानवीरता के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्णस्थ दानवीरता किस ग्रंथ से संकलित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चार ऑप्शन में, महाभारत कर्णभार से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्ण कस पक्षत युद्धम करोति, कर्ण किसके तरफ से युद्ध करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौरव पक्षत, मतलब कौरव के पक्ष से, कौरव पक्ष से युद्ध करता, ऑप्शन ये। नेक्स्ट, सूर्य पुत्र का अस्ति, सूर्य पुत्र कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्ण। नेक्स्ट, महतराम भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शक्र, मतलब इंद्र। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति, सर्वप्रथम कर्ण इंद्र को क्या देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सालम कारम गौ सहस्त्रम, मतलब हजारों गाय। नेक्स्ट, कर्ण कवचम कुंडले च ददाति, कर्ण अपना कवच और कुंडल किसे देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र। नेक्स्ट, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश इति कथितवान, मतलब सूर्य के समान, चंद्र के समान, बर्फ के समान तुम्हें यश प्राप्त है, ऐसा कौन कहता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र। नेक्स्ट, काल पर्याप्त का क्षयम भवति, समय बीतने से किसकी क्षय हो जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा। नेक्स्ट, कर्णभारम नाटकम कस रचना अस्ति, कर्णभार नाटक किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भासस, भास की। नेक्स्ट, भासस कति नाटकानि संति, इस प्रश्न का सही उत्तर है, मतलब क्वेश्चन कर रहा था महर्षि भास के कितने नाटक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रयोदश तीन। तो इस प्रश्न का अंतिम, इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। तो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो देखने के लिए इंड स्क्रीन पर टच करें या प्लेलिस्ट को क्लिक करके पढ़ें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। उनियन स्मार्ट क्लास का सभी ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पर दिया है, वहां पर जाकर क्लिक करके पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।